बाइक और गाड़ी की रेस हो रहा है यहाँ, सारी गाने में खो गई है। मिला तो चलता ही रहता है यहाँ पे। अच्छा पैसे का अच्छा सा एक फोटो शूट होना चाहिए, अजीबो गरीब सा। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और आपकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। मेरी ईद कैसी गुजरी वो तो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ डे वन। आज शेयर कर रही हूँ डे टू, हमने क्या क्या किया, हम कहाँ कहाँ गए। कल हम इतना थक चुके थे ना, मैंने आपके साथ सुबह 4-5 बजे तक का व्लॉग शेयर किया था। फिर हम दिन में सोए रहे और शाम में उठे तो कुछ गेस्ट आ गए, बस उनके साथ बिजी रहे। हमें अब रात में मौका मिला बाहर जाने का। अब हम घूमने जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगी और रास्ते में जो हमने मस्तियाँ की वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। जो लोग पिंडी से होंगे उनको तो अच्छे तरीके से पता होगा शॉपर किसे कहते हैं। हम तो इन लोगों को शॉपर कह रहे थे। हमारे पास से बहुत स्पीड से गुजरे भाई भाभी और दो फ्रेंड्स थे कास के। आज हम फुल फैमिली इंजॉय करने जा रहे हैं, बस एक मेरी सिस्टर मिसिंग है, उसकी ज़्यादा तबीयत ठीक नहीं थी तो वो नहीं है, बाकी हम सारे इंजॉय करने वाले हैं। ये देखे मून और नीचे रोड कितनी खूबसूरत लग रही है। यहाँ पे हमारी बहस चल रही थी, हम लोग बाइक पे बैठना चाह रहे थे, इस बात पे हमारी बहस चल रही थी तो यहाँ पे रुक गए। अब पहले लड़ाई ख़त्म कर लें फिर करते हैं अगला फैसला कि हमने जाना कहाँ है। हम लोगों ने ना बहुत कुछ प्लान किया था लेकिन जहाँ जा रहे थे वहीं पर रश मिल रहा था, ऊपर से बाइक पर बैठने का भी दिल कर रहा था सभी का। फ्रेंड्स इधर बैठने पे लड़ाई हो रही है, कौन कहाँ बैठे कैसे बैठे। आगे ये खड़े हैं, ये देखें ये सारे खड़े हैं। हम सबको शौक हुआ है बाइक पे जाने का, अब डिसाइड कर रहे हैं किसने कहाँ बैठना है। शमीर ने तो अपनी जगह ले ली है, अम्मी भी इधर ही बैठी हुई हैं और जो हम सब है ना, हम सबको शौक है बाइक पे बैठने का। तो यहाँ पे बहस चल रही है कि बाइक पे कौन बैठेगा और गाड़ी में कौन बैठेगा, कोई बंदा गाड़ी में बैठने को तैयार नहीं है। फाइनली ये डिसाइड हो गया है, ये दोनों बैठ गए इस बाइक पे और ये बैठ गए इस बाइक पे और ये अब जाने लगे हैं। बाय बाय। अब ये बैठने लगी हमारे साथ गाड़ी में। अच्छा हम सबका दिल था हम बाइक पे बैठे लेकिन कुछ को तो गाड़ी पे बैठना पड़ना था ना, तो बस ये अब बाइक वाले जा रहे हैं और ये गाड़ी वाले भी जाने लगे हैं। देखे ना हमारी छोटी छोटी ख्वाहिशें, हम बाइक पे बैठने से लड़ेंगे, हमने बाइक पे बैठने, हमने बाइक पे बैठने। लोगों के बहस करते करते मैंने दो दफ़ा रिकॉर्डिंग की क्योंकि पहली दफ़ा जब की तो शोर बहुत ज़्यादा आ रहा था, फिर मुझे थोड़ा लाउड होके बोलना पड़ा, फिर मैंने दूसरी दफ़ा रिकॉर्डिंग की तो काम चला। आज तो हम जहाँ जा रहे थे ना वहीं पे हमें रश मिल रहा था। पहले हम लोग तहजीब पे गए, चीजेस पे गए, KFC पे गए, मैकडोनल्ड्स पे गए, हर जगह रश ही रश था, रश ही रश था। और इस कदर अजीबो गरीब सा रश था ना कि वहाँ पर व्लॉग बनाना तो बहुत ही मुश्किल हो जाना था। फिर हम लोगों ने डिसाइड किया जब रश में ही जाना है तो क्यों ना चाय महफिल पे चलें। चाय महफिल पे लाइव कवाली चल रही होती है तो आप बहुत इंजॉय करते हैं। जो लोग जा चुके हैं उनको तो पता ही होगा और जो नहीं जा चुके वो मेरे कहने पे ज़रूर जाएं। हम लोगों ने भी खूब इंजॉय किया, आगे आपके साथ शेयर करूँगी। वहाँ से गुजरते गुजरते अचानक हमें पता नहीं क्या सूझी, हम लोगों ने लगा ली रेस, बाइक और गाड़ी की रेस। पीछे रह गए और बाइक वाले जीत गए। कभी कभी ऐसे काम करने का भी कितना मजा आता है ना। बाइक वालों की जीत की खुशी में जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, अभी फन बाकी है, अभी मजीद देखिएगा, एंड तक देखिएगा और मुझे कल की तरह कमेंट्स में जरूर बताइएगा आज आपको कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। कल मुझे बहुत अच्छा लगा था, आप लोगों ने व्लॉग देख के इतने मजे मजे के कमेंट्स किए थे। हम लोगों ने जाना था F6, हम चले गए थे F7। अब हम लोकेशन ऑन करके चेक कर रहे थे कि यहाँ से F6 कैसे जाएं। 6 to 7 मिनट्स बाद हम लोग तकरीबन F6 वाली रोड पे पहुंच गए। अच्छा मैं आपको जो व्यू दिखाने वाली हूँ ना वो आप लोगों ने गौर से देखना है, इतना खूबसूरत व्यू दिखाऊंगी ना कि आपको मज़ा आ जाएगा। ये देखें ये ट्री आपको नज़र आ रहा है ना, ये जैसे ही गुजरेगा ये देखें ऊपर मून है, नीचे ट्रीज़ हैं, ग्रीनरी है और कितना खूबसूरत लग रहा है ना। इसके पीछे खूबसूरत सा सॉन्ग हो और इस तरह हो तो आपकी इंस्टाग्राम की रील बन सकती है, आपका व्हाट्सएप का स्टेटस बन सकता है ना। हल्का सा म्यूज़िक लगा हो पीछे और ये वाला व्यू हो। खैर हम लोग पहुंच गए हैं चाय महफिल पे, अब आगे से शेयर करूंगी हमने यहाँ क्या क्या किया, इतना हमने यहाँ पे फ़न किया ना वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। हमने पिक्चर्स भी ली, फ़न भी किया, आज आपके साथ अम्मी की लुक भी शेयर करूँगी और अपनी लुक भी आपको दिखाऊँगी।
यहाँ पे एंटर होते ही ना एक वॉल मिरर लगा हुआ है बहुत ऐसे लंबा सा ना, यहाँ पे पिक्चर्स वीडियोस बनाने का इतना मजा आता है। ये देखें मैं यहाँ पे वीडियो बनाने की कोशिश कर रही थी लेकिन मेरे पीछे सभी आ रहे थे, ये मेरी अपनी फैमिली है। इसके अलावा भी लोगों का बहुत ही रश था, आप मिरर में देख सकते हैं। दो बार रीटेक करने के बावजूद मेरी अकेले की वीडियो नहीं बन सकी, कभी कोई पीछे आ रहा था कभी कोई पीछे आ रहा था। मैं यहीं पे आपको अपना लुक दिखाना चाह रही थी लेकिन मैं अपनी कोशिश में नाकाम रही। चले आए ऊपर चलते हैं, ऊपर चल के दिखाती हूँ आपको अपना लुक। यहाँ पे इतनी ज़्यादा स्टेयर्स है ना, मेरा ख्याल है थर्ड फ्लोर बनता है रूफ टॉप पे है ना चाहे महफिल, तो ये सारी स्टेयर्स आपको क्रॉस करनी ही पड़ती हैं। और रश इतना ज़्यादा था, ऐसे बिल्कुल करीब करीब लोग थे, वीडियो बनाना व्लॉग बनाना बहुत ही मुश्किल था। यहाँ पे जहाँ पे चाय महफिल लिखा हुआ ना इसके नीचे पिक्चर्स इतनी प्यारी आती हैं, ये 2 मिनट के लिए खाली मिला। अभी मैं वीडियो बना के हटी थी कि दोबारा से इतना रश, कभी कोई आ रहा था कभी कोई आ रहा था ना, पिक्चर्स अच्छी बन रही थी ना वीडियोज़ अच्छी बन रही थी। ईद है ना माशाल्लाह सभी एंजॉय करने लगे हुए थे। फर्स्ट डे तो आपका कुर्बानी में ही गुजर जाता है, बिजी गुजर जाता है, सभी लोग तकरीबन सेकंड थर्ड डे ही एंजॉय करते हैं। यहाँ पे ये बॉयज़ देखें आज ये सब अपना एंजॉय कर रहे थे, नहीं तो ये बेचारे भी हमारे साथ ही फैमिली टाइम ही स्पेंड करते हैं, लेकिन आज बॉयज़ गैंग अलहदा बनी हुई थी और गर्ल्स गैंग अलहदा बनी हुई थी। बॉयज़ अपना इंजॉय कर रहे थे, गर्ल्स अपना इंजॉय कर रही थी। मुझे ना यहाँ पे ये पेंटिंग्स और ट्रेडिशनल चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। यहाँ पे अम्मी बेचारी सांस ले रही थी, मेरी अम्मी को बैकबोन का प्रॉब्लम है ना तो यहाँ पे बैठ के सांस ले रही थी। ये भाई साहब हैं जिनका है चाय महफिल, ये हैं यहाँ के ओनर जिनकी इतनी बड़ी पिक्चर लगी हुई है ताकि सबको पता चल सके ये ओनर है। ये हूँ मैं और भाभी। अच्छा यहाँ पे ज्वेलरी शॉप थी, यहाँ पे भी पिक्चर्स बहुत अच्छी बनती थी लेकिन अब ज्वेलरी शॉप खत्म हो चुकी है, लाइट्स भी ऑफ थी यहाँ की। फ्रेंड्स ये मैं हूँ, ये मेरी भाभी है, यहाँ पे लाइट बिल्कुल नहीं है इस वजह से हम आपको ज़रा अजीब से काले काले से नज़र आ रहे हैं। अभी मैं लाइट में जाके आपको दिखाती हूँ अपना फुल लुक, ड्रेस सब कुछ दिखाती हूँ, मिलते हैं उधर जाके। देखें हमने जाना है यहाँ पे, चले आए चलते हैं, आपको फ्लोर भी दिखाती हूँ, बहुत मज़ा आने वाला है, फुल व्लॉग देखिएगा, चले आए चलते हैं। अम्मी ने भी सांस ले लिया था, बहुत मुश्किल हो जाता है इतनी ज़्यादा स्टेयर्स क्रॉस करना अम्मी के लिए। अच्छा यहाँ पे ये देखिए इस तरह बना हुआ है ज़रूरी मामलात, यहाँ पे भी पिक्चर्स बहुत प्यारी आती हैं, ये बिल्कुल डांस फ्लोर की तरह का है, बहुत प्यारा है। और रश देखें कितना ज़्यादा रश है, ये तकरीबन 12:30 बजे का टाइम है रात के और रश यहाँ पे इतना ज़्यादा है। अच्छा ये वही जगह है जहाँ पे आप 2-3 बजे भी चले जाओ ना तो आपको मज़ा ही आता है, 2 बजे तक मेरे ख्याल से ये ओपन होता है और इतना मज़ा आता है ना इसी तरह आपको रश मिलेगा। कवाली वाले भी अभी सांस ले रहे हैं और साथ ही यहाँ पे बैठ के पैसे गिन रहे हैं और हम लोग बस बैठने के लिए जगह सर्च आउट कर रहे हैं। ये कॉर्नर हमें एक मिल गया, हमें इसी तरह का साइड कॉर्नर चाहिए था ताकि हम लोग अपनी पिक्चर्स वीडियोस आराम सुकून से बना सकते। यहाँ पे कभी कभी तो कितना ही ज़्यादा आपको वेट करना पड़ता है लेकिन हम आए लेट थे ना इस वजह से हम लोगों को ज़रा जल्दी जगह मिल गई। ये देखिए ये कितने प्यारे लग रहे हैं ना, ये बिल्कुल ऐसे ट्रेडिशनल से यहाँ पे पेंटिंग्स लगी हुई हैं, बिल्कुल पंजाबी कल्चर हमारा जो है ना वो प्रेजेंट हो रहा है। यहाँ कव्वाली सुनने का भी इतना मज़ा आता है ना, इससे ज़्यादा मैं आपको नहीं सुना सकती। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कंटेंट बनाने के भी और ख़ासतौर पे यूट्यूब पे कंटेंट बनाने के भी, जिनको फॉलो करना ही पड़ता है। लेकिन अगर आप फुल कव्वाली नाइट्स का मज़ा लेना चाहते हैं ना तो ये जगह बेहतरीन है, सीरियसली इस्लामाबाद में इससे अच्छी जगह कव्वाली के लिए और कोई नहीं हो सकती। यहाँ पे प्रॉपर कव्वाली हो रही होती है, प्रॉपर म्यूज़िक साउंड सब कुछ पूरा माहौल बना होता है। ये एम्बियंस तो आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त है, यहाँ का बिल्कुल कव्वाली माहौल यहाँ पर बना हुआ है। अगर आप इंजॉय करना चाहते हैं ना तो यहाँ पर ज़रूर जाएँ। अब कुछ ऑर्डर करना था, ऑर्डर के लिए देख रहे थे कि कुछ लोग कह रहे थे हम लोगों ने चाय पीनी है, कुछ कह रहे थे हम लोगों ने आइसक्रीम खानी है और कुछ भी नहीं कह रहे थे, बस बैठ के मूछें अपनी सेट कर रहे थे। और यहाँ पे देखें ये अब्रिश डांस कर रही है, ये कव्वाली पे डांस कर रही थी, बच्चे भी खूब इंजॉय करते हैं यहाँ पे। अच्छा हम लोग ना घर से बहुत ज़्यादा खाना खा के आए थे, गेस्ट आए हुए थे तो उनके साथ भी खाना था और वैसे भी ईद थी तो घर से ही खाना था, तो इसलिए यहाँ पर हमें अब समझ ही नहीं आ रही थी कि हम ऑर्डर क्या करें। खैर ऑर्डर हम लोगों ने कर दिया और यहाँ पे कव्वाली सुनते हुए ना सीरियसली वो जो एक नशा सा होता है ना वो हो जाता है, आप किसी और ही दुनिया में चल जाते हो। ये शमीर कर रहा है डांस, यहाँ पे अब्रिश डांस कर रही है, बच्चों ने भी खूब इंजॉय किया, सही तरह से ईद मनाई। हम लोग अभी तक कव्वालियाँ ही सुन रहे थे, इतना मज़ा आ रहा था ना सुनने का, साथ हम बातें कर रहे थे साथ कव्वालियाँ सुन रहे थे। अच्छा ये जो लाइट्स कभी चेंज होती हैं, कभी कोई कलर आता है कभी कोई कलर आता है, ये इतना मज़े का लगता है ना, ऐसा लगता है जिस तरह आप ना किसी डिस्को वगैरह में हो, बहुत मज़े का ये लगता है। इतनी देर में हमारी आइसक्रीम आ गई, हम लोगों ने फिर आइसक्रीम एंजॉय की।
अच्छा सब आराम से बैठ के अपनी अपनी आइसक्रीम खा रहे हैं, सीधे सीधे तरीके से खा रहे हैं। और ये देखें भाई के काम, ये इसने आइसक्रीम का ना मिल्क शेक बना लिया है, समझ लें आइस शेक बना ली है, उसको इस तरह मेल्ट कर करके तो अब ये खा रहा है। हर किसी की अपनी अपनी चॉइस है। और ये देखें, ये मेरी कज़न है मीरब, जिसका जिक्र मैंने कल वाले व्लॉग में भी आपके साथ किया था, ये अपना इंजॉय कर रही है। अच्छा इंसान ना बिला वजह ही झूमने लग जाता है, देखिएगा अब ये क्या सही तरह डांस करेगी, सही तरीके से प्रॉपर परफॉर्मेंस दे रही है। बच्ची हमारी गाने में खो गई है। अब बज गए हैं रात के तकरीबन 1:02 हो चुके हैं। अच्छा हम लोग ना यहाँ से अब उठने लगे थे, तो हमें याद है हमने तो पिक्चर्स ही नहीं बनाई, तो सबसे पहले थी बॉयज़ की बारी। अच्छा लड़कियाँ तो पोजेसिव होती ही होती हैं, बॉयज़ भी बहुत पोजेसिव होते हैं। ये देखें, ये एक दूसरे की सेटिंग कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि हम लोगों ने कैसे पिक्चर्स लेनी है, कौन कौन से हमारे क्लिक्स होने चाहिए। इन सब की तो पिक्चर्स बन गई थी, अब हमारी अपनी बारी थी। इस इतनी देर में बिल आ गया, तो इनने ना सभी ने अपने अपने कार्ड्स निकाल के तो उसके आगे रख दिए, और वो बेचारा कंफ्यूज ही हो गया कि मैं कार्ड लूँ कौन सा। फिर खैर एक कार्ड उसने लिया, उसके बाद इनने ये जो पासवर्ड लगाते हैं ना इस पर भी इतना शुगर लगाया, 2 डिजिट उसने लिखे, 2 डिजिट्स उसने लिखे, इस तरह करके इन लोगों ने उस बेचारे को बिल पे किया। फैमिली का यही हिसाब होता है ना, इकट्ठे आ जाएं तो कभी कोई शुगल कभी कोई शुगल, शुगल मिला तो चलता ही रहता है। यहाँ पे अच्छा पैसे इतने ज़्यादा गिरे हुए थे कि समझ लें ये पूरा फ्लोर जोन है ना, ये पैसों का फ्लोर ही लग रहा था। पैसे इन्हें देने भी चाहिए, बेचारे इतनी मेहनत करते हैं, हम कब से आए हुए हैं और कब के ये बैठ के गाने गा रहे हैं, कभी कोई कवाली गाते हैं कभी कोई कवाली गाते हैं, तो इनको पैसे देने ही चाहिए। यहाँ पर ये हूँ मैं और वकास, बनाने की कोशिश कर रहे थे पिक्चर्स लेकिन बन रही थी वीडियो, तो मैंने सोचा आपके साथ वीडियो ही शेयर कर दूं, क्योंकि वीडियो भी अच्छी बनी है ना, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप ईद का Day 3 भी देख सकें। ये है अब्रेश और भाई और भाभी। फाइनली हमारा टर्न आ ही गया था, एक बंदा तैयार हो ही गया हमारी पिक्चर्स बनाने के लिए। ये हम तीनों हैं, मीरब और भाभी और मैं। यहाँ पे ना हम बैंगल्स की, रिंग्स की, अपने जूतों की, कपड़ों की, हर चीज़ की पिक्चर्स वीडियोस बना रहे थे। अच्छा जो गर्ल्स होती है ना, उनका दिल ही नहीं भरता पिक्चर्स बनवा बनवा के। हम तीनों ने खुद सा पहना हुआ था और इतना ट्रेडिशनल माहौल था ना, तो हम लोगों ने कहा खुद से का अच्छा सा एक फ़ोटोशूट होना चाहिए। जाहिर है उन लोगों ने भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लगाना था, और मैंने भी। ये है अम्मी का लुक इस तरह का था, और ये हूँ फाइनली मैं, इस तरह का मेरा गेटअप था। ये मेरा ड्रेस आप लोगों ने पहले देखा होगा, मैंने पहना नहीं था लेकिन आप लोगों को दिखाया था। इस तरह से मेरा ओवरऑल लुक था। आज मैंने अपना नेल पेंट भी चेंज कर लिया, ज्वेलरी भी चेंज कर ली। कल मैंने ब्लैक नेल पॉलिश लगाई हुई थी, आज मैंने लगा ली है रेड। ईद Day 1 का लुक भी आप लोगों से मैंने शेयर किया था, ये ईद Day 2 का लुक है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लग रहा होगा। अच्छा यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, इस बेचारी पे हमने फिल्टर लगा दिया अजीबोगरीब सा, और ये इस तरह अजीब सी लग रही थी। इसी तरह मैंने इसकी वीडियो भी बना ली, और इसकी इतनी ज़्यादा हम लोगों ने पिक्चर्स बना के इसको इतना तंग किया ना बाद में। अच्छा ये बात यहीं तक नहीं रुकी, हमने ये फिल्टर फिर सबके फेसेस पे लगाया, और सभी ने एक दूसरे को सही तरह से तंग किया। कितना मज़ा आता है ना जब सारी फैमिली इकट्ठी होती है। मेरी एक सिस्टर नहीं थी, उसके लिए आप सब दुआ करिएगा, उसकी तबीयत ज़रा गड़बड़ थी, इस वजह से वो नहीं आ सकी। उसको भी हमने बहुत मिस किया, जो एक बंदा नहीं ना होता उसे आप बहुत मिस करते हो। हम घर से तकरीबन 10 बजे निकले थे और अब रात के 2 बज चुके हैं। घंटा एक तो हम यही ढूंढने में बिजी रहे कि हमने जाना कहाँ है। उसके बाद फिर बाइक पे लड़ाई कि बाइक पे किसने बैठना है और गाड़ी में किसने बैठना है, क्योंकि सभी का दिल बाइक पे बैठने का था, और जगह भी हमें कोई मिल नहीं रही थी। लेकिन जो हम लोगों ने जगह फिर सिलेक्ट की ना चाहे महफिल, हमें बहुत मज़ा आया, यकीन करें हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया। उम्मीद करती हूँ व्लॉग देख के आपको भी मज़ा आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग इकरा व्लॉग।